जहां एक और देश में नीट पेपर लीक को लेकर बहस छिड़ी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर अब यूजीसी नेट पेपर को भी एनटीए ने रद्द कर दिया है। यूजीसी नेट की परीक्षा 18 जून को आयोजित की गई थी, लेकिन एनटीए को जानकारी मिलती है कि पेपर पहले से ही लीक हो गया था, जिसके बाद एनटीए ने कड़ा फैसला लिया और परीक्षा को रद्द कर दिया। दरअसल एनटीए को खबर मिली कि पेपर पहले से ही टेलीग्राम पर लीक हो गया था, जिसके बाद ये कदम उठाया गया। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट, जिसे I4C भी कहा जाता है, उससे इनपुट्स मिले थे कि पेपर लीक हो गया, जिसके बाद केंद्र सरकार ने अब इसकी जांच CBI को सौंप दी है। अब नए सिरे से परीक्षा होगी, नए एग्जाम का शेड्यूल अलग से शेयर किया जाएगा। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C काम क्या करता है और ये लोगों के लिए कितना उपयोगी है, और क्या इस तकनीक पर भरोसा किया जा सकता है जिसे आने वाले समय में सरकार को मदद मिले। पूरी रिपोर्ट से समझते हैं इस मामले की बारीकी को। देश में साइबर सेफ्टी के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C की स्थापना की गई थी। ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय की एक पहल है। I4C नागरिकों के लिए साइबर अपराध से संबंधित सभी मुद्दों से निपटने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों और हितधारकों के बीच समन्वय में सुधार करना, साइबर अपराध से निपटने के लिए भारत की समग्र क्षमता में बदलाव लाना और नागरिक संतुष्टि के स्तर में सुधार करना शामिल है। वहीं अब अगर I4C के उद्देश्य की बात करें तो इसमें देश में साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए नए मॉडल बिंदु के रूप में कार्य करना, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले साइबर अपराधों के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करना, सक्रिय साइबर अपराध की रोकथाम और उनके पता लगाने में मदद करना, साइबर अपराध से संबंधित शिकायतों को आसानी से दर्ज कराने में मदद करना है और साइबर अपराधों को रोकने के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करना है। वहीं अब सवाल ये है कि क्या ये जनता के लिए उपयोगी है, और उपयोगी है तो इसके क्या उपयोग जनता के काम आ सकते हैं। सबसे पहले ये पोर्टल नागरिकों को ऑनलाइन साइबर अपराध के खिलाफ शिकायत करने में सक्षम बनाता है। वहीं ये पोर्टल महिलाओं, बच्चों, विशेष रूप से बाल पोर्नोग्राफी, बाल यौन शोषण सामग्री, बलात्कार या सामूहिक बलात्कार से बचाता है। इस पोर्टल को प्रायोगिक आधार पर 30 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था। ये पोर्टल स्टॉकिंग और साइबर बुलिंग आदि जैसे अपराधों पर भी ध्यान केंद्रित करता है। इस रिपोर्ट से तो ये साफ हो गया कि I4C तकनीक आने वाले समय में एक संजीवनी बनकर उभर सकती है, जिससे सरकार को काफी मदद मिलने की आसानी होगी। बहरहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 18 जून को हुई नेट के इस परीक्षा में 9 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स बैठे थे और 317 शहरों के 1205 केंद्रों पर ये परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसे अब रद्द कर दिया गया है। सामने ये आया है कि टेलीग्राम चैनल पर पहले से ही 5,000 के लिए पेपर बिक गए थे और लीक हो गए थे। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि CBI की जाँच में क्या निकल कर आता है, क्या छात्रों के साथ इंसाफ होगा या किसी भी बड़े चेहरे को इसमें सजा मिलेगी। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जनतंत्र TV के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।